इसके लास्ट वाले वीडियो में आपने देखा था मल्टीप्लिकेशन बाय डी की पावर एन के क्वेश्चंस क्या होते हैं। इस वीडियो में अपन देखेंगे डिवीजन बाय डी की पावर एन के क्वेश्चंस क्या होते हैं। डिवीजन बाय डी की पावर एन के क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन बाय डी की पावर एन से कुछ थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे डिवीजन बाय डी की पावर के मेथड क्या होती है, वर्किंग रूल क्या है उसका, उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट जो फॉर्मूले अप्लाई होते हैं वो सब देखते हैं। सबसे पहले अपन डिवीजन बाय डी की पावर एन के कंसेप्ट को समझते हैं। एन एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ पी को लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। जब आप इसमें टी का डिवाइड करते हैं तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिमिट पी टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डीएक्स हो जाता है। इससे पहले एफ ऑफ टी अपॉन टी इनफाइनाइट लिमिट के लिए क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर ये इनमें से नॉट डिपेंड ऑन ओनली है तो उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये वर्किंग रूल है इसके लिए। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया है उसमें आप उसको एफ ऑफ टी कंसीडर करेंगे, देन फिर उसके बाद लिमिट टी टेंड्स टू 0 एफ ऑफ टी फाइंड करेंगे। अगर वो एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट मींस है इनको छोड़ के कुछ भी आंसर आ सकता है। 0 अपॉन 0 आंसर नहीं आना चाहिए, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आंसर नहीं आना चाहिए, इनफाइनाइट आंसर नहीं आना चाहिए, इनको छोड़ के कुछ भी आंसर आ सकता है। अगर ये एग्जिस्ट है तो आप ऊपर वाले जो फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, उसको स्मॉल एफ ऑफ पी बोल देंगे। स्मॉल एफ ऑफ पी में x p के प्लेस पे x2 के f of x लिखेंगे और इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फिर इसको आगे अपन सॉल्व करते हैं। ये कुछ बेसिक कांसेप्ट हैं जो इसमें लगते हैं। लिमिट के कुछ कांसेप्ट लगते हैं यहां पे। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा / थीटा इसकी वैल्यू 1 होती है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा / थीटा इसकी वैल्यू 1 होती है। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x - 1 / x इक्वल टू 1 होता है। और भी छोटे-मोटे लिमिट के कांसेप्ट लग सकते हैं, एल हॉस्पिटल लॉ है और भी कुछ छोटे-मोटे कांसेप्ट लगेंगे जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं रिलेवेंट। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि आफ्टर इंटीग्रेशन जो लिमिट होती है इनफाइनाइट, तो वो आपको किस फॉर्म में रखना है, लिमिट एक्सेस टू इनफाइनाइट लॉ एक्स अपॉन में एक्स माइनस वन लॉ बी अपॉन पी माइनस वन। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको अपन सॉल्व करते हैं। तो ये लिमिट की जो वर्किंग रूल है डिवीजन बाय डी की पावर एन की, तो ये किसी बुक में नहीं मिलेगी, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अपन वन बाय वन यहाँ से क्वेश्चंस को समझते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। मैं इधर से रब करना चाहूंगा यहाँ पे। इसकी जो क्वेश्चन मेथड है क्वेश्चन को देख के क्लियर होती है, तो मेथड क्वेश्चन को देख के क्लियर होगी तो क्या होगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ, सबसे फर्स्ट वाला ये वाला क्वेश्चन भी लेते हैं अपन। टी कितना होगा अपने पास, फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर स्टेप से लिखा रहेगा एवेल्यू। क्वेश्चन में आपको ये नहीं पता जाएगा कि डिविजन बाय टी है कि मल्टीप्लीकेशन बाय टी है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। टी का डिवाइड हो रहा है तो टी आपको पहचानना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेपिंग थ्योरम किसी के साथ भी ऐड हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन बाय टी के साथ भी ऐड हो सकती है, डिवीजन बाय टी के साथ भी ऐड हो सकती है। तो पहले अपन क्वेश्चन लिखे हैं, एल ये दिया है अपन को साइन टी अपॉन में टी दिया हो। तो देखो वर्किंग रूल आपके सामने, सबसे पहली चीज आप इसको डिवीजन बाय टी है तो आप समझ गए कि क्वेश्चन कौन सा है, डिवीजन बाय टी की पावर एन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे कंसिडर करोगे तो लेट एफ ऑफ टी इक्वल टू में इसके जो ऊपर वाला फंक्शन है तो यहाँ पे कौन है साइन टी। फिर देन फाइंड करेंगे अपन यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे आप, लिमिट टी टेंड्स टू 0, हर बार आपको टी टेंड्स टू 0 ही लेना। और ये कितना है अपने पास यहाँ पे एफ ऑफ टी अपॉन में टी फाइंड करना। तो यहाँ पे अपन लिमिट टी टेंड्स टू 0 और यहाँ पे साइन टी अपॉन में टी, और ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और साइन थीटा अपॉन थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको, और ये बेसिक कंसेप्ट है। तो आपके पास यहाँ पे लिमिट टी टेंड्स टू 0 और साइन थीटा अपॉन टी, इसकी जो वैल्यू है वो तो डायरेक्टली ये जाता है। लिमिट के छोटे मोटे कॉन्सेप्ट लगते हैं, तो बड़े कॉन्सेप्ट नहीं लेते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा क्या लिखेंगे यहाँ पे, कर्स लिमिट टी टेंड्स टू 0 साइन थीटा टी अपॉन टी इस एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो ही आगे सॉल्व करिए, अदरवाइज आगे सॉल्व नहीं करिए। पहले आपको जब भी डिवीजन बाय टी वाला क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा उसकी लिमिट को एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। सीधी बात है कि डिफाइंड टर्म है कि नॉट डिफाइंड टर्म है, ये चेक करना है आपको। ये डिफाइंड है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन डिफाइंड ही होते हैं। अब जब डिफाइंड है डायरेक्ट में तो सेकंड नंबर पे आप क्या करेंगे यहां पे, फिर एफ ऑफ टी इक्वल टू आपके पास कौन है साइन टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। तो L f of t इक्वल टू में L sin t, sin t का जो फॉर्मूला होता है ये वर्किंग मेथड को मैं यहाँ से रब कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा जल्दी है, क्वेश्चन जल्दी आएंगे इसके क्वेश्चन। ये वर्किंग मेथड को मैं यहाँ तक पूरा रब कर देता हूँ, ये कंसेप्ट फॉर्मूले भी रब कर देते हैं।
यहाँ पे अपने पास एल साइन टी का जो फार्मूला है वो बचेगा आपके पास वन अपॉन में पी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा है कि साइन ए टी का जो लाप्लास होता है ए अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फार्मूला होता है। यहाँ पे ए की वैल्यू वन है तो ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको आप एफ ऑफ पी बोलोगे। एफ ऑफ पी की वैल्यू अपने को ये मिल गई। जब एफ ऑफ पी इक्वल टू आपको ये मिल रहा है तो वहां पे आप एफ ऑफ एक्स फाइंड कर लेंगे। एफ ऑफ एक्स क्या होता है, जहां ना पी आ रहा है वो एक्स से रिप्लेस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन होता है, ये आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिली। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ डिवीजन बाय टी, बाय डेफिनेशन इस टाइप से आप लिखेंगे, बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन के लिए एल एफ ऑफ टी अपॉन टी इक्वल टू पी टू इनफाइनाइट। आपके पास लिमिट होती है, कहां से होती है, पी से लेके इनफाइनाइट तक के लिए लिमिट होती है, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, एल एफ ऑफ टी की जो वैल्यू है वो कितनी है अपने पास, साइन टी, तो अपने सब्स्टिट्यूट कर दिया है और इधर भी इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ये लिमिट कितना रहेगा अपने पास, पी से इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो कौन है, वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब ये क्वेश्चन यहाँ से एक लिमिट वाला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। इसको पूरा इंटीग्रेशन जैसा सॉल्व करना है और हमेशा एक्स के फॉर्म में लेना है, एक्स के फॉर्म में लेना है। आप एफ ऑफ पी निकालेंगे, पी में एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एक्स के फॉर्म में आप इस टेंसर को निकालेंगे, जी क्या होगा अपने पास, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, और ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। जब आप इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो टेन इनवर्स इनफाइनाइट माइनस का टेन इनवर्स पी, टेन इनवर्स इनफाइनाइट की जो वैल्यू होती है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टेन पाई बाई टू की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो आप इनफाइनाइट की यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स और यहाँ पे टेन पाई बाई टू माइनस का टेन इनवर्स पी, ये टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा पाई बाई टू माइनस का टेन इनवर्स पी बचेगा। और ये आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 12th क्लास का फॉर्मूला पढ़ा है कि टेन इनवर्स पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स थीटा इक्वल टू में कितना होता है, cot इनवर्स थीटा। तो यहाँ पे अपन इसको स्टेप से लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, cot इनवर्स पी हो जाएगा। तो आपके पास ये भी आंसर आ गया, और इसको आगे भी सोल्व करना चाहें बुक में एक चीज होती है यहाँ पे, तो tan इनवर्स को 1 अपॉन cot में कन्वर्ट कर देंगे 1 अपॉन में, वो यहाँ पे नहीं कर रहा। एक बार आप समझे, इस एक क्वेश्चन से आपको पूरी बैठी बात समझ में जाएगी, उससे पूरे क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। जब भी आपको डिविजन बाय टी का क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें चेक कर लोगे कि डिवाइड बाय टी दिया है तो आपको करना पड़ेगा। सर यहाँ पे ऊपर वाले फंक्शन को आप एफ ऑफ टी बोल दोगे तो इस फंक्शन के लिए आपने एफ ऑफ टी कर लिया, एफ ऑफ टी इक्वल टू कितना है आपका साइन टी। सबसे पहले आप लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट टी टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ टी अपॉन टी, जो भी एफ ऑफ टी फंक्शन दिए वो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। इसके अंदर लिमिट के स्मॉल स्मॉल फंक्शन लगते हैं, फॉर्मूले लगते हैं, साइन टी अपॉन टी की वैल्यू वन होती है तो ये एग्जिस्ट है। अगर इसका आंसर इनफाइनाइट जीरो अपॉन जीरो नॉट नॉट डिफाइंड कोई भी टर्म आ जाती तो आप इसको सॉल्व नहीं करते, ये कर लीजिए थे लिमिट इज नॉट एक्जिस्ट, तो आगे सॉल्व नहीं कर सकते थे। अगर ये एक्जिस्ट है तो आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन एक्जिस्ट होते हैं। एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन टी है तो एल एफ ऑफ टी इक्वल टू आप इसका लाप्लास फाइंड करेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसमें आपको फाइंड कर लिया जिससे आपको एफ ऑफ पी मिलेगा। एफ ऑफ पी में पी को रिप्लेस करेंगे एक्स से, जहां तक पी आ रहा है वहां पे एक्स सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। और बाय द डेफिनेशन ऑफ डिवीजन बाय टी ये फॉर्मूला होता है एल एफ ऑफ टी अपॉन टी इक्वल टू पी टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डीएक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखोगे। जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखोगे तो टेन इनवर्स एक्स, एक बार अपन इनफाइनाइट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देंगे, टेन इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू पाई बाय टू होती है और माइनस टेन प्लस पी, और पाई बाई टू माइनस टेन प्लस पी इक्वल टू कॉट माइनस पी होता है। प्रूव करने को आया तो आप यहाँ तक करें, अदरवाइज यहाँ तक भी क्वेश्चन चल जाता है। ये पहला क्वेश्चन था। अब ऐसे एक और क्वेश्चन है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को देखें, कभी आपको क्वेश्चन ऐसा आ गया यहाँ पे एल ई की पावर माइनस टी साइन टी अपॉन में टी, ये स्टेप का क्वेश्चन किया है। ये सभी आपके बुक के क्वेश्चन है, बी एस सी इंजीनियरिंग तो साइन टी अपॉन टी के लिए तो बिल्कुल पूरा एज इट इज सॉल्व करोगे। ये आपको जो आंसर मिल गया एंडिंग में, तो ये क्या मिला हुआ है एल इंटू
help of sin t upon t equal to my cot inverse p number. तो जब यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाओगे तो मैं इधर कर देता हूँ, आप यहाँ पे लिखेंगे फाइंड फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, माय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम. जब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करेंगे अपन तो एट ई की पावर माइनस टी और ये साइन टी अपॉन टी एज इट इज है, तो यहाँ पे पी रिप्लेस हो जाएगा किससे, पी माइनस ए से, ए की वैल्यू माइनस वाले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट इन वर्स
इसमें तो आप यहाँ पे डायरेक्टली p अपॉन में p माइनस वन ये तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर। देखो ये हमने पढ़ा है ट्वेल्थ में, बहुत पढ़ा हुआ है कि जब भी लिमिट इनफाइनाइट हो और लिमिट वाला क्वेश्चन हो तो ऊपर से अपन को मैक्सिमम पावर को कॉमन लेना पड़ता है, तो x को अपन कॉमन ले लेंगे, कॉमन नहीं आ रहा है फिर भी अपन कॉमन लेंगे उसमें से। तो लॉग जब x को कॉमन लेंगे नीचे से तो ये क्या हो जाएगा, अपन माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा माइनस लॉग, ये बचेगा p अपॉन में p माइनस वन। जब लोग ये लिमिट एज इट इज लिखा है अभी लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट और वन लॉग ऑफ ए क्या बचेगा आपके पास वन अपॉन में वन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस लॉग पी अपॉन में पी माइनस वन। अब अगर मैं लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो कोई नॉट डिफाइंड टर्म तो बन ही नहीं है, तो इसलिए अप्लाई लिमिट कर देंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिखना भी चाहें तो लिख भी सकते हैं। अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट करेंगे तो लॉग ए कितना हो जाएगा वन अपॉन में वन माइनस वन अपॉन इनफाइनाइट और ये माइनस का लॉग ये कितना बचा हुआ है लॉग पी अपॉन में पी माइनस वन। और ये आपको पहले से पता है कि वन अपॉन में इनफाइनाइट जो होता है उसकी वैल्यू जीरो होती है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा और यहाँ पर लॉग वन बचेगा, लॉग वन माइनस का लॉग पी अपॉन में पी माइनस वन और लॉग वन की वैल्यू ऑलरेडी जीरो होती है तो लॉग वन को भी आप जीरो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लॉग वन को भी जीरो रख देंगे तो रिमाइंडर टर्म जो बचेगा आपके पास वो बचेगा माइनस का लॉग पी अपॉन में पी माइनस वन। अब इसको लॉग की प्रॉपर्टी से आप उसकी पावर भी बना सकते हैं तो आपको लॉग पी माइनस वन अपॉन पी हो जाएगा, ये फाइनल यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। एक बार समझे इस क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सबसे पहले डिविजन बाय टी है तो एफ ऑफ टी निकाल, एफ ऑफ टी की लिमिट को चेक करेंगे वो डिफाइन है कि नॉट डिफाइन है, तो आपने उसको चेक किया तो वो डिफाइन आ रहा है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन डिफाइन ही आते हैं। इसके बाद एफ ऑफ टी का आप लाप्लास फाइंड करेंगे तो लाप्लास आपको वन अपॉन पी वन पी माइनस वन और पी को रिप्लेस कर देंगे एक्स से, फिर इसमें डिविजन बाय टी की डेफिनेशन में एफ ऑफ टी को एफ ऑफ टी से रिप्लेस कर देंगे, एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट और लिमिट, अपर लिमिट इनफाइनाइट है और लॉग वाली टर्म है तो उसको लिमिट के फॉर्म में करा जाता है, डायरेक्ट एक्स की प्लेस पर सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, यहाँ पे पी को एक्स के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उसमें जब लिमिट वाली कंडीशन आए तो एक्स के ऊपर से मैक्सिमम समझिए, ध्यान दीजिए समझिए, जब भी लिमिट इनफाइनाइट होती है तो लिमिट वाले क्वेश्चन में एक्स की ऊपर से मैक्सिमम वाली पावर और नीचे भी एक्स की मैक्सिमम पावर फॉर्म में लेके कैंसिल कर देंगे और लिमिट को जब वन अपॉन लिमिट में पुट करेंगे तो वन अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू जीरो हो जाएगी और लॉग वन की वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो माइनस पी अपॉन लॉग पी बचेगा, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो ये डिविजन बाय टी का एक क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन मैं इसको रब करना चाहूंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एफ ऑफ टी कौन है आपके लिए, यहाँ पे वन माइनस कॉस टू टी ये आपके लिए यहाँ पे एफ ऑफ टी का वर्क है, तो अपन यहाँ पे लिमिट चेक करेंगे तो लिमिट के लिए क्या करेंगे अपन लिमिट टी टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ टी अपॉन टी, तो एफ ऑफ टी में यहाँ पे क्या है अपने पास लिमिट टी टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है वन माइनस कॉस टू टी अपॉन में टी, यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है वन माइनस कॉस टू थीटा इक्वल टू में टू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो बचेगा लिमिट में टी टेंड्स टू जीरो टू साइन स्क्वायर टी अपॉन में टी बचेगा, यहाँ से टू बाहर निकल जाएगा और ये टू अपन ने बाहर कर दिया है लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, ये कितना है साइन स्क्वायर टी को अपन टू टाइम लिख सकते हैं, ये कितना है अपने पास साइन टी, लिमिट को सेपरेट करेंगे अपन टू इन टू में लिमिट टी टेस्ट टू जीरो साइन टी अपॉन में टी इंटू लिमिट टी टेस्ट टू जीरो और ये बचेगा अपने पास साइन टी, इसकी जो वैल्यू है वो वन हो जाएगी और यहाँ पे टी के तो टू इंटू में वन और ये बचेगा आपके पास साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू होती है तो जीरो आएगा, लिमिट जीरो आ सकती है क्योंकि जीरो की डेफिनेशन आपके पास है, तो आप यहाँ लिख देंगे थस लिमिट टी टेस्ट टू जीरो वन माइनस कॉस टू टी अपॉन टी इज एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर रहा है तो अब आगे इसको अपन सॉल्व करेंगे, जब एग्जिस्ट कर रहा है तो अपन यहाँ पे अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए देन एफ ऑफ टी इक्वल टू आपके पास कौन है वन माइनस कॉस टू टी
1 माइनस कॉस टू टी, तो आप यहाँ पे लाप्लास निकालेंगे एल एफ ऑफ टी इक्वल टू में एल 1 माइनस कॉस टू टी, यहाँ पे 1 के साथ सेपरेट कर देंगे एल ऑफ 1 माइनस एल कॉस टू टी, यहाँ पे 1 का जो लाप्लास है वो हो जाएगा 1 अपॉन पी माइनस कॉस टू टी का जो लाप्लास है पी अपॉन में पी स्क्वायर प्लस का होगी आपका लाप्लास। सेकेंड कंडीशन, तो आपको एफ ऑफ पी की जो वैल्यू मिली है वो क्या होगी, आपको एफ ऑफ पी इक्वल टू आपके पास ये वैल्यू आ गई, अब अपन इसे एफ ऑफ एक्स फाइंड कर लेंगे, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन में एक्स माइनस का एक्स अपॉन में ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये एफ ऑफ एक्स का आपको वैल्यू फाइंड हो गया। अब आप यहाँ पे लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ डिवीजन बाय टी बाय द डेफिनेशन ऑफ, और ये वाली टर्म डी के लिखे तो भी चल जाता है, बाय द डेफिनेशन ऑफ डिवीजन बाय टी डिविजन बाई टी की पावर एन, टी क्या होता है एल एफ ऑफ टी अपॉन में टी इक्वल टू पी टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे एल एफ ऑफ टी की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास 1 माइनस कॉस टू टी, 1 माइनस कॉस टू टी अपॉन में टी इक्वल टू में पी टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है 1 अपॉन में एक्स माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4, और अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो उसको किस स्टेप से करेंगे इंटीग्रेशन में, ये वाली टर्म एक बार लिख के छोड़ देंगे, इसे लिखते चलेंगे उसको, मैं इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन करता हूँ, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स हो जाएगा, और ये वाई मिस्टेक मैंने 4 लिख दिया है, यहाँ पे 2 आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को टी कंसिडर करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन में डायरेक्टली लिख रहा हूँ लॉग एक्स हो जाएगा माइनस, इसको टी कंसिडर करेंगे तो 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 आएगा। अब पहले आप यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे इनफाइनाइट टू पी, लॉग की प्रॉपर्टी 1 बाई 2 उसकी पावर बन जाएगा, ये चीज समझना, अगर आपको नहीं समझ आई तो उसको आप टी कंसिडर करेंगे, मैं रफली करके बताता हूँ, तो ये बचेगा 2x dx इक्वल टू dt बचेगा, 2 इसके डिवाइड में चल जाएगा, उसको मैं भी रफ कर रहा हूँ यहाँ से, और 1 बाई 2 उसकी पावर बन जाएगा, तो लॉग ये कितना बचेगा अपने पास x माइनस लॉग अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट में डायरेक्ट लगा दिया और लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है, और ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट एज इट इज है, ठीक है, और अगर लॉग x अपॉन में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये लिमिट भी एज इट इज है अपने पास, यहाँ पे कौन इनफाइनाइट और पी, जब अपन इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इनफाइनाइट को मैंने यहाँ ही बताया आपको कि किसके फॉर्म में लिखेंगे लिमिट के फॉर्म में लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको, तो ये आएगा लिमिट में x टेंड्स टू में इनफाइनाइट और लॉग x अपॉन में अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 4 माइनस अगर आप p लगाएंगे तो लॉग ये कितना हो जाएगा p अपॉन में अंडर रूट के अंदर p स्क्वायर प्लस 4, ये आपके वैल्यू स्टेप्स है। यहां पे जब फिर वो एक टर्म है जो मैंने बोला x की मैक्सिमम पावर नीचे से कॉमन लेंगे ऊपर, मतलब 1 के कांस्टेंट अपॉन x के फॉर्म में बनाएंगे लिमिट इनफाइनाइट के लिए, तो इसको पहले सॉल्व करके वो तो एज इट इज है, यहाँ से अपन क्या करेंगे log x अपॉन में नीचे से x कॉमन लेंगे तो अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर बचेगा, मैंने x स्क्वायर कॉमन लिया जिसके कारण वो अंडर रूट से बाहर निकल गया और ये लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एज इट इज है, माइनस log p अपॉन में अंडर रूट के अंदर p स्क्वायर प्लस 4 ये x x कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ पर बचेगा लिमिट में x टेंड्स टू इनफाइनाइट और रिमेनिंग जो टर्म बची है आपके पास लॉग के अंदर लॉग बचा हुआ है 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का लॉग पी अपॉन में अंडर रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस 4, अब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये 0 हो जाएगा लॉग ये बचेगा 1 अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट के अंदर 4 अपॉन इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी लॉग पी अपॉन में अंडर रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस 4, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो लॉग 1 बचेगा, लॉग 1 ऑलरेडी 0 होता है, लॉग p अपॉन में अंडर रूट के अंदर p स्क्वायर प्लस 4 इसकी वैल्यू 0 होगी, तो फाइनली अपने पास लॉग p अपॉन में अंडर रूट के अंदर p स्क्वायर प्लस 4, इसको अपन इनवर्स कर देंगे लॉग को उसकी पावर बना देंगे तो अंडर रूट के अंदर p स्क्वायर प्लस 4 अपॉन क्या बचेगा p, तो ये आपका एक क्वेश्चन था, एक बार और समझे इस क्वेश्चन को, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो अपने एफ ऑफ टी लिया डिवीजन बाय टी का लिमिट को चेक किया लिमिट एक्जिस्ट कर रहा है लिमिट का आंसर जीरो आ रहा है और जीरो डेफिनेशन है तो आप यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट लिमिट इज एक्जिस्ट, इसके बाद आप उसी फंक्शन का फॉर्मूले वाले करें उसी फंक्शन का आप क्या करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, 1 का लाप्लास 1 अपॉन पी होता है, cos 2t का लाप्लास कितना होता है p अपॉन में p स्क्वायर प्लस 4,
पी को रिप्लेस कर देंगे x से, जिससे आपको f of x मिल जाएगा, और f of x पे डेफिनेशन ऑफ डिवीजन बाय t में आप x f of x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। f of x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे पर अपॉन x का जो लिमिट होगा वो कितना हो जाएगा log x, और इसका भी उदाहरण मैंने डायरेक्टली लिख दिया है 1 upon 2 log x square plus 4 लिमिट से लगाएंगे। लिमिट लगाने से पहले आप यहां पे log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेना। log की प्रॉपर्टी जो है आपके पास वो क्या है, आपके पास यहां पे log a minus n की प्रॉपर्टी अप्लाई करेगी। जब इनफाइनाइट लिमिट लगेगी तो आगे लिमिट लगाया जाता है, डायरेक्ट इनफाइनाइट नहीं रखा जाएगा। तो यहाँ पे अपन x को कॉमन लेंगे और 4 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, इसको इनवर्स बना लेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ये कुछ डिवीजन बाय टी के क्वेश्चंस थे, इसके पहले वाले वीडियोस में आप लोगों ने देखे हैं, मल्टीप्लिकेशन बाय टी के क्वेश्चन दिख रही है, फर्स्ट सेटिंग थ्योरम क्वेश्चन दिख रही है, ये डिवीजन बाय टी है। अब आपके इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लेक्चर्स में अब आपके लिए बचा हुआ है इनवर्स, लाप्लास इनवर्स, जो कि इंपॉर्टेंट होता है और एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में लाप्लास इनवर्स और एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, कई बच्चों का बोलना है, मेरे को मेल भी कर रहे हैं कि आप लोग सर कोरियर सीरीज की टाइम बनाइएगा, ग्रुप्स के लिए वीडियो बनाएगा, बीएससी के लिए आईपी दे दीजिएगा, तो सब होगा। अभी मैंने स्टार्ट किया है जिसके अंदर मैंने आपको सिर्फ लाप्लास की है, पहले मैं लाप्लास के पूरे लेक्चर्स को डालूंगा, इसके बाद ग्रुप्स की भी, रिंग के और जो भी आपके इक्वेशन है, बेसल इक्वेशन, पावर सीरीज इक्वेशन, सबके वन बाय वन आपको वीडियो आते रहेंगे सर। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे लाप्लास इनवर्स क्या होता है और उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। थैंक यू।